अलमेकम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंज और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के दरम्यान ताल्लुक़ के बारे में बात करेंगे पिछले सेशंस में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया उससे आपको अंदाजा हुआ होगा बल्कि आप अच्छी से समझ गए होंगे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टू हैव अ रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज लेट्स ये रोल क्या है अगर अगरचे जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें सोशल एंटरप्रोरशिप को एक ट्रिगर के तौर पे रिकॉगनाइज किया गया है कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और सोशल चेंज को ट्रिगर करता है लेकिन उसका मेकनिज्म क्या है उसका प्रोसेस क्या है ये क्लियर नहीं है अभी रिसर्च हो रही है जैसे जैसे एविडेंस आ रहा है उसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है इस लिटरेचर में से जो कोर थीम सामने आते हैं वो कुछ यूं हैं नंबर वन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोशल वैल्यू क्रिएट करता है साथ साथ इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पेक्ट जो है उसको मेंटेन करता है इन अ पॉजिटिव सेंस तो ये मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल चेंज की तरफ लीड करता है इसलिए समझा जाता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल चेंज में एक रोल है नंबर दो चूँकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मुख्तलिफ कॉजेस के लिए फंडिंग जो है वो सोशल इंटरप्रन मुख्तलिफ इनोवेटिव तरीक़ों से जमा करते हैं बैंक लोन्स या पर्सनल सेविंग्स के अलावा तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फंडिंग की जैसे क्राउड फंडिंग है कि बहुत सारे लोगों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कोई वेंचर या एंटरप्राइज जो है उसको शुरू करना उससे एक वाइडर ओनरशिप जो है वो डेवलप होती है उससे जो वाइडर ओनरशिप है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है क्योंकि ज़्यादा लोगों का स्टेक है उस वेंचर या एंटरप्राइज के कामयाब होने में तो वो उसके लिए काम करते हैं उसकी कामयाबी के लिए और इस तरह से वो एक सोशल चेंज का हिस्सा बनते हैं नंबर थ्री इंटरेस्टिंगली जो मैनेजर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी हद तक डिटरमिन करती हैं कि, कि किसी वेंचर का वो सोशल एंटरप्राइज़ हो या बिजनेस एंटरप्राइज हो उसकी सोशल कमिटमेंट और एनवायरमेंटल कमिटमेंट क्या है रिसर्च ने साबित किया है कि खुवात मैनेजर्स फीमेल मैनेजर्स जो हैं उनकी एनवायरमेंटल और सोशल इम्पेक्ट कमिटमेंट्स जो हैं वो मेल मैनेजर्स की नस्बत ज़्यादा हैं और चूंकि सोशल एंटरप्राइज में वमेन लीडर्स ज़्यादा हैं इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है जिन बिजनसेस में वो इंटेग्रेट है उनके अंदर शामिल है उन बिजनेसिस को खा वो कमर्शल एंटरप्राइज हों या सोशल एंटरप्राइज हों वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस ज़्यादा होती हैं लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि उन्हें जो अपनी सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सबिलिटी के हवाले से स्पेंडिंग करना होती है वो अपने बिज़नेस से निकालना है और जो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वैल्यू क्रिएट करते हैं वो उनके बिजनेस का हिस्सा उनकी प्रैक्टिसेस का बन जाती है उन्हें उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता वो बिजनेसेस जो हैं, वो ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं और वो सोशल चेंज लाने में ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं ये वो एविडेंस है जो अभी तक रिसर्च की बिना पर हमें मिलता है जिससे पता चलता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टू हैव अ रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज सो मच सो के यूनाइटेड नेशंस ने रिकमेंड किया है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को शामिल किया जाए ताकि रिसर्च की जा सके कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल चेंज में कंट्रीब्यूट करता है कर सकता है